धार जिले में तेजी से फैलती कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसके चलते एसडीएम राहुल चौहान ने स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। धर्मपुरी स्वास्थ्य केंद्र में 10 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया था, जिसमें लगातार आसपास के कोविड पेशेंट का उपचार किया जा रहा है, लेकिन लगातार बढ़ रहे संक्रमित मामलों और मौत के आंकड़ों को देखते हुए कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने धर्मपुरी में 10 बेड बढ़ाने का एवं पॉजिटिव लोगों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर एसडीएम के साथ स्थानीय अधिकारियों ने निरीक्षण कर कन्या छात्रावास को कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए चिन्हित किया है। जैसे जिस प्रकार से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने धर्मपुरी में कोविड केयर सेंटर शुरू करने के लिए कस्तूरबा कन्या शासकीय छात्रावास है, उसको चिन्हित किया है और इसकी मांग बना के कलेक्टर साहब को भेजी जा रही है। हाँ, यहाँ भी हम 10 ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की क्षमता है और इसको बढ़ाया है हमने और इसकी सभी व्यवस्थाएँ की जा रही है। आपको बता दें कि धर्मपुरी स्वास्थ्य केंद्र में लगातार कोविड मरीजों की मौत हो रही है और अब तक कोविड वार्ड में कुल 29 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 12 लोगों की हायर सेंटर रेफर किया जा चुका है। धर्मपुरी से मनोहर चौहान की रिपोर्ट।